मनोजीत सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुर रहने वाला हूँ। मेरे सुबह पता चला कि मेरी एक आंख अचानक छोटी और बड़ी हो गई। उसके बाद मैंने 2-3 दिन बाद इसका इंतजार किया कि लोगों ने बताया कि आपकी आंख हो सकती है सर्दी या उसका कोई फर्क पड़ा हो। तो मैं नहीं, जब ठीक हुई तो मैं अलीगढ़ गया। अलीगढ़ में डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने देखने बाद में उन्होंने एक हफ्ते की दवाई दी। इसके बाद उन्होंने दोबारा बुलाया तो उससे भी आराम नहीं मिला, तो मैं आगरा गया। आगरा जाने के बाद में 2 दिन की दवाई वहाँ ली। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया तो किसी ने मेरे को बोला कि आप मणिपाल हॉस्पिटल में आप दिखाएं, और पता चला कि डॉक्टर कदम नागपाल जी को आप दिखाएं न्यूरोलॉजी। तो मैंने वहाँ दिखाया तो उन्होंने हमारे काफ़ी टेस्ट करने के बाद में उन्होंने इस बीमारी को पकड़ा। तो उसके बाद उन्होंने एक दिन मेरे को एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में जो कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए उसके बाद में मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला और मेरी आँख में काफ़ी आराम मिला और आँख पूरी तरह से खुलने लगी। अब मैं काफ़ी आराम से काम कर सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ, आने जाने में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल और डॉक्टर कदम नागपाल साहब का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर कदम नागपाल, हेड न्यूरो इम्यूनोलॉजी एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स, मणिपाल द्वारका से। ये पेशेंट हमारे पास आए थे जिनको बेसिकली प्रॉब्लम थी कि इनकी आंखें नहीं पूरी खुल पा रही थी। ये एक एक्स फौजी हैं और धीरे 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 करके इनकी आंखें और पलकें झुकती चली जा रही थी और इनको डबल दिखना शुरू हो गया था। वीकनेस इस कदर हो गई थी कि पूरे दिन भर में ये उठते तो ठीक थे पर आते आते शाम तक इनकी पलकें ज़्यादा झुकने लग गई थी। जब ये हमारे पास आए तो पलक बिल्कुल खुलने में असमर्थ थी और इनको डबल भी दिख रहा था। हमने इनको एडमिट करा और इनके कुछ क्लिनिकली इनको पूरा अच्छे से इवेल्युएट करके इनके टेस्ट वगैरह कराए और उसमें हमारे को ये जान पड़ा कि इनको एक बीमारी है जिसे हम अपनी भाषा में मायस्थीना ग्रेविस कहते हैं। तो मायस्थीना ग्रेविस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाती हैं, जो एंटीबॉडीज नस और मांसपेशी के बीच में जो करंट इम्पल्सेज होती हैं उसको ट्रांसमिट करने में असमर्थ कर देती हैं। तो ये एंटीबॉडीज ऐसे एक्ट करती हैं कि ट्रांसमिशन ही बिल्कुल फेल कर जाता है और फेल करने की वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो जैसे ही हम इसमें कुछ इम्यून मॉड्यूलेटरी मेडिकेशंस देते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स देते हैं जिसे हम लोग पाइरिडोस्टिग्मिन के नाम से जानते हैं, तो पेशेंट की का जो वो स्टिमुलस होता है वो नसों से मांसपेशी तक पूरा जाने में कंप्लीट हो जाता है वो सर्किट, एंड पेशेंट उसमें तुरंत ही इम्प्रूव हो जाते हैं। तो जैसे ही हमने इनको कुछ दवाइयों से हमने ट्रायल दिया तो हमने देखा कि पेशेंट की इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छे से हुई और दोनों की दोनों आंखें इनकी बराबर खुल गई। आज की डेट में ये पेशेंट हमारे फॉलोअप में है, काफ़ी महीने हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी पे जा पा रहे हैं और कोई पलक झुकने की कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये एक ऐसी बीमारी है कि जब आपको डायग्नोसिस हो जाए और सही टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत ही रिवॉर्डिंग बीमारी में से गिनी जाती है। और क्योंकि पेशेंट का जो बेनिफिट होता है वो इस तरीके से होता है कि नाम भी इसका ऐसा ही है, मायस्थीनिया ग्रेविस, कि पेशेंट एक प्रकार से ग्रेव में होता है और बिल्कुल बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ये जो मांसपेशी की कभी भी ऐसी बीमारियां होती हैं, हम अपने पेशेंट को जागरूक करते हैं कि वो फटाफट जाएं और जल्दी से उसको इवेल्युएट कराएं। और ऐसी अगर कोई बीमारी निकल के आती है जिसमें ट्रीटमेंट इतना कारगर साबित होता है तो हम देखते हैं कि बेनिफिट भी बहुत उपयोगी होता है, जैसे इस पेशेंट में हमारे को।